रतलाम जिले के ताल में मात्र 7 वर्षीय तीसरी कक्षा की मासूम बालिका के साथ हुए रेप मामले में रतलाम जिले के ताल नगर में भी लोगों का फूटा आक्रोश। हजारों की तादाद में लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन और मांग की गई कि 20 दिन में न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर उस नरपिशाच बहसे दरिंदे को फांसी पर लटकाया जाए और जो अन्य आरोपी इसमें शामिल हो उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ताल से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। बल्कि मानवता के साथ जो घृणित कार्य किया गया है एक लड़के द्वारा, मेरा यह सभी आपके एजीएम साहब के माध्यम से निवेदन है कि इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय को पहुंचाने का कार्य करें। साथ ही हमारी भावना है कि इसमें और कड़ा कानून किया जाए और जो बच्चों के साथ बलात्कार की घटना करता है उसको अंदर कहीं फांसी न देकर सार्वजनिक चौराहे पर फांसी दी जाए। और निवेदन भी है कि इस पूरी घटना की 30 दिन में न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर 30 दिन में इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। मैं अब ज्ञापन का वाचन करता हूँ। श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार द्वारा श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, विषय मध्य प्रदेश में लगातार हो रही अपहरण हत्या एवं दुष्कर्म के अपराधों पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने एवं मंदसौर में हुए शर्मनाक जघन्य एवं मानवता को तार तार करने वाले दुष्कर्म के अपराधियों को फांसी की सजा कानून के मुताबिक जल्द से जल्द देने बाबत माननीय महोदय उपरोक्त विषय अनुसार निवेदन है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में होने वाले दुष्कर्म के अपराधों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। समस्त मानव समाज के हृदय को आहत करने वाले इस अपराध की कड़ी में 26/6/2018 को मंदसौर जिले में मानवता एवं इंसानियत को तार तार करने वाली दुखद घटना हुई। मंदसौर में दिनांक 26/6/2018 को अपहरण हुई 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने की घटना, जिसमें मासूम बालिका जो कि मंदसौर की निवासी है, जब वह स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रही थी तभी उसे रास्ते में अपहरण कर लिया गया, जिसकी सूचना उसके परिजनों द्वारा मंदसौर थाने पर दर्ज कराई गई। मंदसौर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर दुष्कर्म की घटना सामने आई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के पूर्व ही अपराधी इरफान उर्फ भैयू पिता जहीर खान निवासी मदारपुरा मंदसौर को गिरफ्तार किया। महोदय, इस ज्ञापन में घटित घटना की तरह ही देश एवं राज्य में दिन प्रतिदिन बालिका महिलाओं को अपहरण दुष्कर्म कर हत्या की शर्मनाक करने वाली घटनाएं बढ़ती जा रही है। उक्त घटना में जिस प्रकार का कृतकृत्य हेवानियत के साथ किया गया उसके लिए भारत सरकार द्वारा अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने एवं अन्य फरार 3 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई जाए एवं सभी शासकीय प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने व स्कूलों के गेट के आसपास अतिक्रमण दुकानों को हटाने एवं विद्यालय महाविद्यालय के आसपास घूमने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाए एवं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए मेवाड़ माली समाज